इसमें हम आज बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, कक्षा 9th की चैप्टर 2 की। तो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमारा दूसरा फार्मूला हो गया एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर हमारा थर्ड फार्मूला हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कंटेंस 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें x और y कंटेन करेंगे। दीज एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसको कैसे लिखते हैं? ए कंजोनेंट में लिखते हैं और ए वेरिएबल में लिखते हैं। ये हमारा कंजोनेंट होता है, यानी कि 2 हमारा कंजोनेंट है और हमारा x जो यहाँ पर है ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। नाउ कंसीडर, अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं जो हैं उसकी लेंथ जो है 3-3 है, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर हमारा होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ फोर साइड। हमारा फोर साइड का जो लेंथ होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है, यानी कि 4:3 कर देंगे तो हमारा 12 यूनिट, यानी कि ये हमारा पेरीमीटर आ गया किसी स्क्वायर का। नाउ कंसीडर द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब हम एरिया निकालते हैं पी क्यू आर एस का। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी, ये हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू वेथ। एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू वेथ होता है। तो हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं पॉलिनोमियल्स के? एस स्क्वायर प्लस 2x हैव 2 टर्म पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? हमारे 2 टर्म हैं, तो इसको हम 2 टर्म पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जो हमारा सेकंड वाला है उसमें 3 टर्म्स हैं, तो उसको हम 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जो लास्ट वाला हमारा है माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसमें 3 टर्म है, तो इसलिए हम इसे 3 टर्म पॉलिनोमियल्स कहते हैं। वॉट इज़ पॉलिनोमियल कोफिशियंट? पॉलिनोमियल कोफिशियंट क्या होता है? हमारा पॉलिनोमियल कोफिशियंट क्या होता है? हमारा पहला एक्सप्रेशन हमने लिया माइनस एक्स 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इन दिस इक्वेशन द कोफिशियंट ऑफ एक्स 3 इज़ माइनस 1। एक्स 3 का कोफिशियंट जो है माइनस 1 है, एक्स 2 का माइनस प्लस 4 है, एक्स 2 का हमारा प्लस 4 है, एक्स का हमारा 7 है और हमारा माइनस 2 जो है वो एक्स नॉट का कोफिशियंट हमारा है। आप जो पॉलिनोमियल नंबर नहीं है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पॉलिनोमियल नंबर नहीं है? पहला एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारा है एक्स प्लस 1/x। तो इसको अगर हम ऊपर लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1 माइनस 1 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। अब माइनस 1 जो है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा हमारा हो जाएगा रूट एक्स प्लस 3, हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 3, दिस इज़ नॉट ए होल नंबर, ये भी पूरा होल नंबर नहीं है हमारा, सो दिस इज़ नॉट ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा हमारा हो जाएगा रूट थ्री वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नंबर नहीं है।